वेलकम टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स इन माई यूट्यूब चैनल सत्यन ज्ञान संसार। देखिए आज हम अर्ली एक्सपेरिमेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ग्लूकोज इज यूजली स्टोर एज स्टार्च। हिज लेटर स्टडीज शोड दैट द ग्रीन सबस्टेंस इन प्लांट्स क्लोरोफिल एज वी नो इट नाउ इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विद इन प्लांट सेल्स। ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट ग्लूकोज इज यूजली स्टोर एज स्टार्च। मतलब बात यह है कि 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियन वॉन सैक्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग होते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं में स्थित होता है। यानी कि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। उसने ये बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाई TW एंजेलमैन। तो TW एंजेलमैन के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके हम डिस्कस करते हैं। यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इंटू स्पेशल कंपोनेंट्स एंड देन इल्यूमिनेटेड ए ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन सस्पेंशन और एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। ए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब। ही इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो देखिए क्या है कि TW एंजेलमैन के द्वारा जो रोचक प्रयोग किया गया, उसने क्या किया कि प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग अलग किया और फिर एक हरे जो शैवाल है जिसका नाम है क्लेडोफोरा जिसे ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था। फिर क्या था, ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में रखा और प्रदीप्त किया, यानी कि इसको फिर एल्यूमिनेटेड किया, इस तरीके से प्रदीप्त किया गया। तो क्या था कि बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकालने का केंद्र पता लगाने के लिए किया गया था। तो इन्होंने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखता लाल और नीले प्रकाश के क्षेत्र में एकत्रित होते हैं। बैक्टीरिया लाल और नीले प्रकाश के क्षेत्र में एकत्रित हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया, यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए और बी के
अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बाय द मिडिल ऑफ द 19th century द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, नेमली दैट प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द एम्पेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स वाज देन अंडरस्टैंड एज, जैसे कि आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट CH2O प्लस O2। तो CH2O इज रिप्रेजेंटेड एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और 6 carbon sugar। ठीक है, ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, चलिए इतना देख लेते हैं क्या है कि 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था। ठीक है, चल चुका था, जब जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश से प्रकाश यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया का अनुभाविक समीकरण इस तरीके से दिखाया गया है। तो क्या है कि ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन द अंडरस्टैंडिंग द फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि थे कार्नेलियस वॉन नील, हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इसेंशियल ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से रिएक्शन है। तो अब देखिए क्या है कि जो कार्नेलियस वॉन नील थे एक सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या है कि प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझाने में बहुत ही अच्छा काम किया, माइलस्टोन मील के पत्थर का काम किया। तो इसका उनका अध्ययन जो था बैगनी और हरे बैक्टीरिया पर आधारित था, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणी यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचायित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि विच हाइड्रोजन फॉर्म सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यानी कि जो ऑक्सीकरणीय यौगिक हैं उनसे जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है, ऑक्सीकरणीय यौगिक से जो हाइड्रोजन प्राप्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना देती है। इस तरीके से रिएक्शन है। तो अब हम बात करते हैं कि इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन सम ऑर्गेनिज्म। तो क्या है कि जैसे कि हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन दाता है और होकर और ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है, यानी कि H2O जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं तो क्या होता है, जबकि H2S जैसे कि बैगनी और हरे बैक्टीरिया जो हैं वो के लिए हाइड्रोजन दाता ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों में सल्फर अथवा सल्फेट होता है ना कि ऑक्सीजन, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं ठीक है पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया इनमें ऑक्सीजन ना होकर के क्या होता है सल्फेट और सल्फर होता है। ठीक है, और क्या है कि इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई
भाई ऑक्सीजन H2O से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। बाद में यह बात रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक तकनीक के माध्यम से भी प्रमाणित हुई। इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रमाणित होती है ये बात। और फिर इस तरीके से जो फार्मूला दिया गया है, देखिए, 6 CO2 + 12 H2O लाइट, और यहाँ पे ग्लूकोज और वाटर, फिर ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।